उदाहरण 17, समांतर श्रेणी 17, 15, 13 अनंत तक के कितने पदों का योगफल 72 होगा। हल, यहां प्रथम पद a बराबर 17, उसी तरह से सार्व अंतर d बराबर हम ज्ञात करेंगे 15, दूसरा पद 15 और प्रथम पद 17 को घटाएंगे, 15 ऋण 17 बराबर ऋण 2। मान लीजिए n पदों का योगफल 72 है, तब Sn योग जो है Sn 72 होगा। हम जानते हैं कि Sn बराबर n बटा 2 कोष्टक में 2a धन कोष्टक में n ऋण 1 कोष्टक बंद गुणा d। Sn का मान हमारे पास है 72 बराबर n बटा 2, उसी तरह से 2 और n का मान, a का मान हमारे पास 17 है धन n ऋण 1 और d का मान हमारे पास ऋण 2 प्राप्त हुआ है, तो हम ऋण 2 रखेंगे। 72 बराबर n बटा 2 और कोष्टक में 17 दूनी 34 और फिर जब ये ऋण 2 को गुणा करेंगे n से तो ऋण 2 n और धन 2 कोष्टक बंद, तिर्यक गुणा करेंगे तो 72 गुणा 2 बराबर n, 34 धन 2 36 ऋण 2 n या 144 बराबर कोष्टक खोलेंगे तो 36 n ऋण 2 n की घात 2। पक्षांतर करने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 2 n का पक्षांतर करेंगे तो 2 n की घात 2 ऋण 36 n का पक्षांतर ऋण 36 n धन 144 बराबर 0। इसी तरह से 2 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमारे प्राप्त होगा n की घात 2 ऋण 18 n धन 72 बराबर 0 या जब हम ऋण 18 n को तोड़ेंगे 72 का गुणांक करके गुणनखंड करके तो n की घात 2 ऋण 6n ऋण 12n धन 72 बराबर 0। यहाँ पे हम ऋण 18n को ऋण 6n ऋण 12n लिखा। अब यहाँ प्रथम दो पदों से उभयनिष्ठ हम निकालेंगे n, तो n ऋण 6 और ऋण 12 का दूसरे अंतिम दो पदों से ऋण 12 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो n, क्योंकि ऋण निकाले तो ऋण 12 के पहाड़ा में 12 छक्के 72 तो 6 प्राप्त होगा। दोनों पदों से हम यहाँ n ऋण 6 को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो दूसरे कोष्टक में n ऋण 12 शेष बचेगा बराबर 0। इस तरह से n बराबर या तो हमें 6 प्राप्त होता है या n बराबर 12 प्राप्त होता है, तो n के ये दोनों मान संभव है और स्वीकार लिए जा सकते हैं। अतः पदों की संख्या या तो 6 है या 12 है, या तो पदों की संख्या 6 है n बराबर 6 या पदों की संख्या n बराबर 12 है, यह इस उदाहरण का हल है।